हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो क्या है कि आप अपने अमेजोन से किस तरह से मोबाइल को ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी अपने पुराने मोबाइल को एक्सचेंज करके। इसके बारे में आज आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को देखना है आपको लास्ट तक। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने अमेजोन को ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, अमेजोन से मैं अपने जो पुराने मोबाइल उसको एक्सचेंज करके न्यू मोबाइल ऑर्डर करने वाला हूँ। जो मोबाइल का नाम यहाँ पर मैंने सर्च किया, जो आई को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जब आप अपने मोबाइल को सर्च करेंगे आपके हिसाब से, आपके सर्च के हिसाब से, तो यहाँ पर आपको मोबाइल को सिलेक्ट कर लेना है जो आप ऑर्डर देना चाहते हैं। तो यहाँ पर सिंपल से एक मोबाइल को मैं यहाँ पर ऑर्डर किया। थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको एक्सचेंज वाले ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपका मॉडल आपको देखना है कौन सा मोबाइल आप ऑर्डर देने वाले हैं। तो यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक्सचेंज ईयर वर्ल्ड फ़ोन आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आपके मोबाइल कौन से ब्रांड का है उस ब्रांड का नाम यहाँ पर टाइप करना है। चलिए, यहाँ पर आपको अगर मालूम ना हो तो आपका मोबाइल के सेटिंग पर जाना है। जाने के बाद आपका जो अबाउट फोन है वहाँ पर आपको सारे चीज़ मिल जाएगा। आपका मॉडल नंबर है, IME नंबर जो है, वो सारे चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चल, यहाँ पर मैं उसका मॉडल नंबर यहाँ पर बिठा देता हूँ, मेरा जो मोबाइल है। उसके बाद आपका जो IME नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। चलिए, यहाँ पर मैं अपने मोबाइल का IME नंबर मैं यहाँ पर एंटर कर देने वाला हूँ। आपका अगर मालूम ना हो तो आप अपने सेटिंग पर जाइए, जाने के बाद अबाउट फोन पर जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये नंबर। तो यहाँ पर नंबर टाइप करने के बाद सिंपल सा हमें यहाँ पर वेरीफाई के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटर वाले जो ऑप्शन है यहाँ पर सिंपल सा करना है क्लिक। चले, यहाँ पर मैं अपने नंबर को बिठाने के बाद इंटर पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका वेरीफाई हो चुका है, तो यहाँ पर अप्लाई एक्सचेंज पर करना है क्लिक। क्लिक करने ही के बाद आपका एक्सचेंज के हिसाब से जितने अमाउंट है वो आपको यहाँ पर एक्सचेंज बिलो आपको देखा जाएगा। उसके बाद आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर एक UPI से पे करने वाला हूँ, यानी ऑनलाइन पे करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं एक UPI, जो यहाँ पर मेरे एक UPI है, उस UPI को यहाँ पर मैं बिठाने वाला हूँ। चलिए, यहाँ पर मैं अपने UPI को यहाँ पर इंटर कर दिया। तो यहाँ पर इंटर करने के बाद वेरीफाई के पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका जो UPI है, UPI यहाँ पर देख रहे वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पर सिंपल सा नीचे आने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए, तो आपको एक मैसेज नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यानी मैसेज के थ्रू यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंप्लीट योर पेमेंट। तो यहाँ पर जिस आपने UPI को सेंड किया है उस UPI के ऐप से एक मैसेज भेजा जाएगा, उस मैसेज पर आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पर मैं मैसेज को ओपन कर लेता हूँ। आप चाहे तो कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑनलाइन ही पे करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो लिंक है उस लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर आप जिस UPI से पे करना चाहते हैं उस UPI वाले आपका जो आपने इंटर किया है उस UPI वाले ऐप पर आपको लिया जाएगा। चलिए, यहाँ पर मैं अपने पेटीएम UPI ही यहाँ पर दे चुका हूँ। तो यहाँ पर पेटीएम पर आ चुका हूँ। आने के बाद यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जो पे है यानी जो अमाउंट है यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पेटीएम से पे करने वाला हूँ। चलिए, यहाँ पर फटाफट से मैं इसको पे करके देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रोसेसिंग चल रहा है। थोड़े ही वक्त के बाद आपका जो यहाँ पर अमाउंट है वो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका सक्सेस हो चुका है। तो हमें सिंपल से क्या करना है, फिर उस वाले ऐप पर यानी अमेजोन पर आना है। चलिए, यहाँ पर मैं दोबारा अमेजोन पर आता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, यानी ग्रीन सिंगल आपको मिल चुका है। आपका जो एक्सचेंज है यह एक्सचेंज वाले भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करके आपका ईयर ऑर्डर जो है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल को एक्सचेंज करके न्यू मोबाइल खरीद सकते हैं। सो उम्मीद है वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूले, ताकि वो भी अपने पुराने मोबाइल को एक्सचेंज करके न्यू मोबाइल खरीद सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।